तीन भुवन में सावीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संभार के। आज हमने पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से प्रवचन का सार ही सुना कि पहले में पहले आत्मा को जान। पूजनीय पंडित साहब इसका अर्थ करते हैं पहले में पहले अपने को आत्मा जान। जो आत्मा को जानते हैं वो ही सबको जानते हैं। जो आत्महित नहीं कर सकते वो पर का हित भी नहीं कर सकते। इसलिए सारे बच्चों के लिए आज का दिन बहुत अट्रैक्टिव दिन है, बहुत अट्रैक्शन का दिन है। हमारे मंच पर हमारे देश के मूर्धन्य चाहे अधिकारी हों चाहे हमारे श्रेष्ठी हों वे विराजमान हैं। हमारे बच्चों के लिए मैं यहाँ से यह सारा करना चाह रहा हूँ पहले में पहले आत्मा को जान। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री की ये लाइन आप कभी नहीं भूलना। सम्यक दर्शन इस जीवन का पहला लक्ष्य होना ही चाहिए, ये काम अवश्य करें। समाज के सम्मुख मुझे एक बात खास कहनी है। जब हम अल्पसंख्यकों के क्षेत्र में देखते हैं तो अल्पसंख्यकों के मामले में सबसे ज्यादा विद्यालय यदि भारत में किसी ने खोले तो वो जैन समाज है। हम अपने मंदिरों से भी अधिक प्रयत्न करते हैं कि हमारे बच्चों में नैतिकता है। अब्दुल कलाम साहब को मैं याद करता हूँ, उन्होंने इसी तरह से भाषण देते देते दे छोड़ी थी। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए अपना जीवन लगाया, राष्ट्रपति होते हुए वो बालकों के लिए जिए, विद्यार्थियों के लिए जिए। उनकी एक पंक्ति दो पंक्तियां ही समझ लीजिए, मैं दो बातें दोहरा रहा हूं। पहली बात यह थी छोटा स्वप्न बड़ा अपराध। भगवान बनने का स्वप्न ही बड़ा स्वप्न है, ये ही निपराध है, ये आप याद रखें। नंबर वन। नंबर दो, उन्होंने एक बात कही थी कि आज की तारीख में शिक्षा तो बहुत हो रही है, पढ़ाई के नाम पे बहुत क्या कहें लेबोरियस हो रहा है, बर्डन हो रहा है। आज 3 साल का बच्चा भी इतना लोड लेके जा रहा है कि स्ट्रेस में जी रहा है। मैं उस तरफ तो अभी ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब्दुल कलाम साहब ने एक बात कही थी कि आज की शिक्षा में से नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। बस इस विद्यालय के लिए मेरा एकमात्र सोच, हम सबका एकमात्र सोच, सारे हिंदुस्तान का धनराशि भी यदि इस विद्यालय में आएगी तो इस उद्देश्य से आएगी कि हमारा एक एक बच्चा यहाँ से नैतिक मूल्य लेके निकलेगा, उसके जीवन में कभी अन्याय नहीं होगा, अनीति नहीं होगी, अवक्ष नहीं होगा, अष्टमूल उनका पालन करेगा। मैं तो चाह रहा था कि बच्चों के बीच में बैठकर अलग से चर्चा करूं। मैं सबसे पहली चर्चा जब भी आपके बीच में आऊंगा अगली बार तो अष्टमूल गुण की करूंगा। मुझे आज से पहला और अंतिम यदि कोई चाहना है तो हमारे जैन शासन का बेसिक है अष्टमूल गुण। मुझे उस दिन बहुत प्रसन्नता होगी। ये बात कहने से मैं पहले एक और बात कहना चाह रहा हूँ। आज पूरे विश्व को जैन शासन पर प्राउड है, गर्व है। जैन शासन में एक भी आतंकवादी नहीं हुआ, जैन शासन में एक के भी घर में बंदूक नहीं है। आप इस किसी घर में बंदूक है? इस समय किसी की पॉकेट में रामपुरी चाकू है 12 इंची 16 इंची? हम उस जैन समाज को बिलोंग करते हैं जिसकी रक्षा पुण्य और पवित्रता करती है। ये जैन शासन, ये जैन मंदिर, ये हमारे लिए इतना सुंदर वाक्य लिखा है आचार्यों ने, जैसे रेगिस्तान में कल्प वृक्ष की छाया है। ये कल्प वृक्ष की छाया में रहकर के आप पलोगे, बढ़ोगे, आप ही डॉक्टर हुकुमचंद भारी बनेंगे, आप ही कांजी स्वामी बनेंगे और आप ही आचार्य कुनकुन बनेंगे और एक दिन भगवान बनेंगे। इसी भावना के साथ कि आप सब गिरते हुए नैतिक मूल्यों को संभालेंगे, उठाएंगे। हम उन सब घटनाओं के शिकार नहीं हो जो रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि लड़की मानी नहीं गोली मार ली, परसों के दिन गोली मार ली अपने सिर में, जबरदस्त नहीं मर गया। अरे वो ऐसी कैसी लड़की भाई जो 7-8 साल में तुझे पहचान नहीं पाई, उसके लिए तूने जान दे दी, गजब हो गया। यदि जान देना हो तो अमर तत्व को पहचानो, आई कथमपि मृतवा, मर पच करके भी कोतूहली होकर के अपने को भगवान आत्मा जानो। किसी के लिए जान देने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कहूँ आपको, रोज अखबार भरे पड़े, 2-3 बातें जो हमारे पंडित साहब कहना चाहते हैं आप सबसे,
सारी समाज के सामने वो रिपीट कर रहा हूं कि सांस्कृतिक रक्षा करें, संस्कृति का उत्थान करें। मैं तो चाहता हूं कि हाथ उठवाऊं लेकिन नहीं उठवा रहा हूं मैं आपसे, लेकिन पंडित साहब की भावना यह है कि समाज में विकृति हो रही है, हम जरा सी बात पर डाइवोर्स तलाक धिक्कार है ऐसे हमारे संस्कारों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, जो हम एक छोटी छोटी बात पर तलाक के लिए बोल देते हैं। मैं चाहता हूं हमें से कोई भी अंजना की तरह सहना सीखे, झुकना सीखे, टूटना नहीं सीखे, सीता की तरह झुकना सीखे, एडजस्ट करना सीखे, लेकिन टूटना नहीं सीखे। तलाक कभी नहीं होना चाहिए, नंबर वन। कभी भी अपनी जाति की, समाज की, धर्म की मर्यादाओं को छोड़ करके विवाह, लव अफेयर, जो बिल्कुल जो हैरान कर रहा है आजकल के 90% बच्चे मोबाइल से परेशान, मोबाइल पर, फेसबुक पर दोस्ती, उससे परेशान। मैं नहीं चाहता हूं बच्चों, यदि आप सचमुच चाह रहे कि यहाँ के उद्देश्य पूरे हों और आप अच्छे अधिकारी भी बन सके बाहर में, तो मैं चाहूंगा आप 21 साल की उम्र तक मोबाइल से बच के रहें। मोबाइल घर घर को तबाह कर रहा है। ये सारे नैतिक मूल्यों की अपेक्षाएं हमें आपसे हैं, किसी तरह का ऐसा काम नहीं हो जिससे समाज का मस्तक नीचे हो, हम सब का मस्तक नीचे हो। आप सब उन्नति करें, जैन शासन में उन्नति होते करते करते सम्यक दर्शन से लेकर भगवान बने, इसी भावना के साथ विराजमान।